हर बार की तरह इस बार भी गुलबर्गा शहर में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था, जिसमें तमाम मुसलमानों के साथ हिंदू भाई भी दावत इफ्तार में शिरकत कर भाईचारगी और कौमी एकजुटी का पैगाम दिए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जरिए पिछले कई सालों से लगातार ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाते हैं जिससे मौजूदा हालात में मुल्क भर में भाईचारगी का पैगाम दिया जा सके। गुलबर्गा शहर में हिंदू त्योहार हो या मुसलमानों की ईद हो, यहाँ मुसलमान और हिंदू मिलकर खुशियाँ मनाते आए हैं और इस बार भी दरगाह रोड चौक की मस्जिद के सामने दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज कर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। इस दावत इफ्तार में श्री कंज बसवेश्वर रोजामठ के स्वामी जी, गुंडू स्वामी जी, जय मुत्या जी, दत्तू जी, मोहम्मद जिलानी के अलावा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अनिल जैन और मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना विखार अशरफी, मौलाना मोहम्मद सलीम, मौलाना मजहर खादरी, मौलाना दस्तगीर, फेरोज जंजानी और दीगर कई हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। दावत इफ्तार के जरिए मुल्क की तरक्की, भाईचारगी और अमन अमान के लिए दुआएं की गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, रोजा बुजुर्ग, जिन्होंने चौक की मस्जिद के सामने तमाम मकतब फिक्र के हजरात को बुलाकर इफ्तार का इंतजाम किया, जिसमें हमारे बिरादरान वतन भी शामिल थे। और इस तरीक़े का ये अमल यकीनन भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब का आलमबरदार है। हमारे मुल्क को ऐसे ही प्रोग्राम की ज़रूरत है। हर जगह इस तरीक़े का अमल होना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी को कि उन्होंने शानदार अहतमाम किया और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जो एक मैसेज जाना चाहिए वो गुलबर्गा शरीफ की धरती से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने दिया। मैं तमाम ही जिम्मेदारों का और तमाम हमारे बिरादरान वतन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यही मरते दम तक बाकी रहेगा। सबको नमस्कार। बहुत बहुत खुश हुआ ईद छोड़ने को भी, और फिर ईद का सर क्या बोले, ईद का हिंदू मुस्लिम का वक्त बोल के बहुत मेरे को बहुत 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 खुश का हुआ। खबर इसका ऐसे चलते रहना, सबका मिलजुल के करेंगे। अब उगादि भी आया अब, और सेकंड फिर रमजान का भी ईद को आता है, सब मिल के करेंगे। सबको नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। एलिए नमस्कार। यह रोजा बड़वणे इफ्तारी कूट नेरवे आव्तारी कूटली श्रीमठद वडयर श्री षटस्थल ब्रह्म केंचबसव शिवाचार्यव कार्यक्रम दिव्य सानिध्य वह अदे रीति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नम पी एस साहेबर अनिल सर कूड़ा यह कार्यक्रम के आगम अदे रीति मोहम्मद जिलानी और इन साहेबर भाला जन एलू बंद कार्यक्रम के भागव कार्यक्रम यशस्वी आगली। अदे रीति कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम यावत्तिगु वंदे इदारे संकेत बड़ावणे मेसेज होता है। अदे रीति आ मेसेज एल्ला कड़ी होगी हिंदू मत मुस्लिम एल्लरू वंदे एंब भावने कर्नाटक राज्यदल्ली हागू भारत देशदल्ली बरली अंत ना एरडु मातुगळन्नु हेळि ई ओंदु कार्यक्रम के विदायवन्नु हेळुत्तेने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे स्वामी जी कंच बसवेश्वर रोजामठ के, जय मुत्या जी, शशिकांत जी, दत्तू जी, मैं मोहम्मद जिलानी, हमारे मदर मौलाना साहब, हमारे बड़े भाई दस्तगीर साहब, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जानिब से यहाँ पर हर साल इफ्तार का प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रोग्राम के जिम्मेदार हमारे कंच बसवेश्वर रोजामठ के स्वामी जी ईद और त्यौहार के वक्त हमारा साथ देते हैं। जैसे हमारे पी एस ए साहब यूनिवर्सिटी से हमारे लिए वेलकम करे, उन्होंने भी चंद अल्फाज बोले, हम इनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब का शहर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी वतन हम हिंदू सीता हमारा। जैसे गुलबर्गा शहर है गंगा जमुना का शहर है, हजरत ख्वाजा नजनाथ दरगाह शरीफ शाहनवाज शाह मंदिर ये एकता की मिसाल है और तमाम मजहब के भाई ये देश की शान है। जैसे ईद और त्यौहार के वक्त स्वामी जी को हम जब भी बोलते हैं स्वामी जी यहाँ पर प्रोग्राम करें तो स्वामी जी भी अपनी जानिब से हमारे को साथ देते हैं और जमी स्वामी जी भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं। और तमाम मजहब के भाई ने आज मिलकर इफ्तार किया, मैं तमाम मजहब के भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक चांद सूरज है मोहब्बत आज भी जिंदगी भर तक रहेगी।